हेलो, मेरा आवाज आ रहा है? यस सर। यस ओके सर। okay. ठीक है, तो कल जो हमारा बाकी था वहाँ उसके आगे का हम देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फिर से एक बॉक्स बना लेता हूँ। डी आई डी इज इक्वल टू बॉक्स बॉक्स मैंने यहाँ पे दे दिया, देन इस टी को क्लोज कर देता। सेव। ठीक है, तो इस बॉक्स को हम करेंगे स्टाइल प्रोवाइड करेंगे। ओके, तो बॉक्स मैंने लिया है यहाँ पे और इसको मैं कुछ फीट और हाइट यहाँ पे दे देता है, सपोज 200 पिक्सल। ठीक है, और जो हाइट है वो भी 200 पिक्सल। ठीक है, इतना दे दिया। उसके बाद हमने कल देखा था लाइनर ग्रेडियंट, हम देखा था, तो अभी हम देखेंगे रेडियल ग्रेडियंट। ठीक है, तो इसका सिंटैक्स कैसा है तो पहले हम देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम लेंगे रेडियल। ओके, रेडियल हाफ इंग्रेडिएंट, तो इसके ब्रैकेट्स में ओके यहाँ पे हम देंगे कि पहले तो यहाँ पे आपका ऑप्शनल जो है वो रहेगा आपका शेप एट साइज। ओके, शेप साइज ओके एट पोजीशन। ओके, पोजीशन जन लेफ्ट राइट टॉप बॉटम आप यहाँ पे दे सकते हो। ये आपका ओके फर्स्ट पैरामीटर रहेगा जो ऑप्शनल है। उसके बाद आप यहाँ पे दे सकते हो कलर 1 कॉमा कलर 2। ओके, ऐसे एन नंबर ऑफ आप दे सकते हो यहाँ पे कलर्स भी। तो ये इसका सिंटैक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको भी हम इस्तेमाल करते हैं बैकग्राउंड। ओके, कलर रेडियल आईफोन रेडियो। ओके, और इसके अंदर में फिलहाल अभी कलर्स को देता हूं, तो मैं यहाँ पे दूंगा रेड येलो और लिम कलर देता है। तीन कलर मैंने दे दिया आपको। तो इसका जो आपको शेप है ना, हमेशा आपको ऐसे सर्कल में मिलेगा। देखो, दिख रहा है क्या सर्कल में? तो इसके जो तो शेप है, तो ये सर्कल या फिर इक्लिप्स, ओके, यही दोनों में ही आपको मिलेंगे। ये दोनों फॉर्मेट में ही आप इसको दे सकते। ठीक है, तो ये आपका बेसिक हो गया कि हमने तीन कलर यहाँ पे इस्तेमाल किए, कलर का इस्तेमाल किया। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करते हैं, यहाँ पे जैसे मैंने आपको बोला कि आप शेप दे सकते हो, या फिर अभी पहले डिफॉल्ट जो है सर्कल है हमारा, तो इसको हम ठीक है, तो यहाँ पर मैं दे देता हूँ। अभी शेप भी मैं दे रहा हूँ, मैंने अभी क्या दिया था, खाली कलर्स मैंने दिए थे, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सर्कल। ठीक है, देखो यहाँ पे आपको क्या चेंजेस दिखता है, क्या कुछ है, क्या कुछ चेंजेस नहीं है। जैसे मैंने आपको बोला कि ये कैसे है, सर्कल फॉर्म में ऑलरेडी है, डिफॉल्ट सर्कल फॉर्म में। अगर आप चेंज करना चाहते हो तो आप यहाँ पे दे सकते हो आपको जो देना है वैल्यू। जैसे हेलो कि सर, मैं, हाँ हेलो, आपकी वॉइस नहीं आ रही सर प्रॉपर। एक मिनट एक मिनट, नेटवर्क का कुछ इश्यू होगा। फिर अभी आ रहा है? यस सर, आ रहे हैं जी। तो आप सर और किसी को इश्यू आ है रहे क्या? प्रिया, हाँ ओके, ज्योति, आप आपका नेटवर्क को एक बार चेक कीजिए, आपका नेटवर्क का इशू होगा आई थिंक। हाँ सर, अभी आ रहा है।
ठीक है। तो ओके यहाँ पे देखो जैसे मैंने सर्कल लिया है तो यहाँ पे मैं इक्लिप्स भी ले सकता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं सर्कल को कट कर लेता हूँ, तो यहाँ पे मैं इक्लिप्स ले लेता हूँ, सॉरी इक्लिप्स बोल रहा हूँ, इलिप्स। ओके इलिप्स में ले लेता हूँ। ओके और यहाँ पे इसको नाम देता हूँ, एक मिनट, सर्कल और इलिप्स। इसको कमेंट्स में ले लेता हूँ शेप को, ठीक है। सेव किया, अभी यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ इसको। ओके पर इक्लिप्स सी चाहिए, उधर इक्लिप्स ही चाहिए। सी स्पेलिंग। इलिप्स है वो। ओके ठीक है, से ये आना तो चाहिए था। बराबर है ना, इलिप्स ठीक है। तो हम इसका कुछ चेंजेस करके देखते हैं इसको। ओके इसके साथ में जो पोजीशंस हम देते हैं, ओके वो दे के देखता हूँ। इलिप्स तो यहाँ पे आना चाहिए था बट आ नहीं रहा है, थोड़ा सा ये क्या हो जा रहा है, थोड़ा सा चेंज आपको इस सर्कल में दिखता है। ओके तो यहाँ पे ये दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ कमेंट का तो इशू नहीं है, ठीक है। सो इसको हटा देता हूँ मैं, एक बार चेक कर लेता हूँ। इशू तो नहीं है, ठीक है। तो ये दो शेप है जो हम दे सकते हैं यहाँ पे, सर्कल और इलिप्स। ओके तो उसके बाद हम यहाँ पे क्या देते हैं, इसको साइज देते हैं। ओके साइज तो यहाँ पे दो तरीके के साइज भी है यहाँ पे। ओके एक तो है फार्देस्ट और एक है क्लोजेस्ट। ओके तो पहले मैं यहाँ पे फार्देस्ट दे देता हूँ, कमेंट कर लिया इसको, कॉपी पेस्ट, ठीक है। तो फार्देस्ट हाइफन यहाँ पे फार्देस्ट साइड। ओके और कॉर्नर ऐसे दो है, और क्लोजेस में भी कॉर्नर और साइज ऐसे साइड ऐसे दो है, ठीक है। तो इसको हम चेक करते हैं अभी एट, और इसके साथ मुझे देना पड़ेगा एट विच पोजिशन। तो सपोज मैं देता हूँ इसको लेफ्ट, ओके लेफ्ट साइड से। ओके सेव किया मैंने इसको, और रिफ्रेश करूँगा मैं यहाँ पे कुछ तो। स्पेलिंग गलत है क्या कहीं पे मेरा? ओके लेफ्ट बॉटम, आई थिंक दो मुझे देने चाहिए थे। लेफ्ट हैंड बॉटम, तो चाहिए था ये। हो क्यों मेरा,
एक मिनट में चेक कर लेता हूँ मेरा स्पेलिंग गलत है या फिर क्या। किंग्रो तो यहाँ पे दिखा दे उसने। सर एक बार कमेंट देखते हैं। वही सोच रहा हूँ मैं कमेंट का। ओके ओके यहाँ पे 2 बार कमेंट हुआ है, वही इसी वजह से दिख नहीं रहा। ओके देखो यहाँ पे आ गया। ठीक है तो देखो जो हमने साइड दिया था लेफ्ट एंड बॉटम साइड, ओके उसका पोजीशन जो था हमने दिया था, तो यहाँ पे वो लेफ्ट एंड बॉटम साइड में आपको क्या दिखा रहा है, सर्कल जो है यानी जो हमारा जो ग्रेडियंट है वो दिखा रहा है। ठीक है देन ठीक है इसको आप कॉर्नर भी कर सकते हो। ठीक है कॉर्नर ठीक है सेव रिफ्रेश। अभी देखो इसका थोड़ा सा हल्का सा चेंज होगा, दिख रहा साइज जो है वो थोड़ा बड़ा हो गया। ओके दिख रहा है क्या, तो ऐसे आप दे सकते हो इसको। तो मैं काम करता हूँ इसको फिर से लिखता हूँ, साइड को अलग और कॉर्नर को अलग। यहाँ पे हमारा था साइड, ठीक है और इसको कमेंट में ले लेता हूँ सेव। ठीक है हल्का चेंज यहाँ पे हमें दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पे अभी हम नेक्स्ट जो शेप है वो हम यहाँ पे यूज करेंगे, और उसका पोजीशन जो है वो हम अभी यहाँ पे देंगे। तो बैकग्राउंड इसी लाइन को मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी किया ठीक है। तो यहाँ पे मैं पहले ले लेता हूँ अभी क्लोजेस्ट कॉर्नर सेव। ओके अभी देखते हैं क्या चेंज होता है। पूरा ग्रीन कलर। ओके तो यहाँ पे मुझे परसेंटेज इसको देने पड़ेंगे, तो एट 30%। ओके तो यहाँ पे देखो एक सर्कल ही आपको दिखाई देगा। ओके एक सर्कल दिखाई देगा, देखो दिख रहा है 30% के अंदर वो दिखा रहा है आपको। इसको कट किया यहाँ पे पेस्ट किया से, देखो 30% पे वो कह रहा है ये जो है हमारा अलोकेट हो रहा है, यानी उस पोजीशंस पे वो दिखा रहा है उसको। ओके देन ये तो हो गया कॉर्नर का। ऐसे ही हम इसको ले लेते हैं साइड के लिए। ठीक है तो साइड के लिए भी हम ले लेते हैं, तो यहाँ पे भी आपको एक हल्का चेंज यहाँ पे दिखाई देगा। साइड सेव रिफ्रेश, देखो क्या हो गया उससे स्मॉल हो गया, हल्का सा चेंज आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके कि वो उसका साइज जो है वो कम हो गया, ले रहे हैं? तो ऐसे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। ओके अगर आपको इसको इस्तेमाल करना है तो आप ऐसा कर सकते हो। ठीक है देन ओके बॉक्स है ना यहाँ पे हमारा। ठीक है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, एक मिनट। लिया क्या? यस सर ठीक है तो अभी नेक्स्ट हम देखते हैं इसके अंदर ट्रांजिशन। ओके जो हमने ओहर और सुडो क्लास देखा था, ओके वो कैसे क्विकली हो रहा था। ओके जैसे कि यहाँ पे मैंने हाइट और विथ ली है। ओके ये सारा पूरा कमेंट है अभी मेरा। ओके ये पूरा का पूरा क्या है, कमेंट है, यहाँ से पूरा का पूरा कमेंट है। मैं काम करता हूँ इसको, नहीं तो बॉक्स को फिर से कमेंट कर देता हूँ और बॉक्स को फिर से रखता हूँ यहाँ पे।
इसको यहां से यहां तक कमेंट, और इस कमेंट को डायरेक्टली यहां पे अनकमेंट कर, यहां तक कमेंट करता हूँ यहां से यहां तक, ठीक है। और बॉक्स को मैं फिर से लिखूंगा अभी, हैश बॉक्स, ठीक है। और यहाँ पे अभी हम क्या करते हैं, इसको इस बॉक्स को कुछ ट्रांजिशन अप्लाई करते हैं, ओके। ट्रांजिशन मीन्स क्या करता है, जो भी आपने जो देखा था, जैसे कि हम यहाँ पे हम बटन पे होवर कर रहे थे तो कुछ उसका स्टाइल या कलर हम चेंज कर रहे थे क्या, पहले हमने देखा था, देखा था क्या हमने होवर सुडो क्लास, यस हाँ। तो उसी को हम स्मूथली इस ट्रांजिशन से कर सकते हैं। कैसे स्मूथली, देखो पहले मैं आपको बेसिक बताता हूँ। यहाँ पे मैं इसको पहले विड्थ और हाइट दे देता हूँ, विड्थ और हाइट इसको 200 पिक्सल, और देन हाइट जो है 200 पिक्सल, और जो बैकग्राउंड है बैकग्राउंड कलर आपको जो देना है आप दे दो, ओके। सपोज रेड मैंने दे दिया, सेव, देखते हैं कैसे दिख रहा है यहाँ पे, ओके। एक बॉक्स यहाँ पे दिख रहा है रेड कलर का, ओके। तो अभी हमने यहाँ पे देखा था कि कोई अगर ट्रांजिशन हम यहाँ पे लगाते हैं हैश बॉक्स कोलन ओहर, ओके। और यहाँ पे मैं कुछ चेंज कर दूँ, ओके। जैसे कि मैं कलर और विड्थ को चेंज कर देता हूँ, हाइट को हटा देता हूँ, विड्थ कर देता हूँ 400, और कलर कर देता हूँ सपोज एक्वा, सेव, रिफ्रेश। तो देखो जैसे मैं ओहर यहाँ पे कर रहा हूँ तो देखो ये क्विकली हो रहा है क्या, तो इसको भी आप स्मूथनेस प्रोवाइड कर सकते हो ट्रांजिशन से, ठीक है। यानी ये जो है एक इफेक्ट की तरह दिखे आपको, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे लिखेंगे इसको, थोड़ा मैं और कुछ प्रॉपर्टी यहाँ पे दे देता हूँ, डिस्प्ले फ्लेक्स में डाल देता हूँ, इसको फ्लेक्स बॉक्स बना देता हूँ, इसको फ्लैग बॉक्स है। उसके बाद इसको सेंटर में लेके आता हूँ, जस्टिफाई, जस्टिफाई कंटेंट कोलन सेंटर, सेव, रिफ्रेश, ओके। एक टू के अंदर नहीं लिया क्या मैंने, ओके okay। ठीक है, तो इसकी जरूरत नहीं है, हम कर लेते हैं ऑनलाइन एटम, ये भी नहीं हो रहा है। नहीं सर, उसमें टेक्स्ट ही ऐड नहीं किया है ना ड्यू के अंदर। बट अलाइन का तो मैंने लास्ट टाइम हमने बॉक्स को सेंटर में वर्टिकल, और इसके लिए मैंने बताया था ना आपको, यस सर, ठीक है। टेक्स्ट के लिए तो मैं डायरेक्टली अलाइन, टेक्स्ट अलाइन सेंटर हम ले सकते हैं ना, हाँ अलाइन सेंटर हम ले सकते हैं वहाँ पे टेक्स्ट अलाइन, तो इसको छोड़ो, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम क्या करते हैं सिंपल, इसको क्या करते हैं इसके ऊपर हम क्या करेंगे, जब भी ओवर करेंगे तो ये स्मूथली होना चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे ट्रांजिशन यूज करेंगे, तो पहले तो हम ट्रांजिशन के कुछ प्रॉपर्टी यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो किस पे हमें लगाना है, ओके। ट्रांजिशन पहले तो हमें ये देना पड़ता है कि ट्रांजिशन हमें किस प्रॉपर्टी पे लगाना है।
ओके, जैसे कि आप देख रहे हो कि मैं ओवर कर रहा हूँ तो बैकग्राउंड कलर में चेंज कर रहा हूँ यहाँ पे, तो उसके ऊपर मुझे दिखाना है। ओके तो यहाँ पे मैं दे दूंगा ट्रांजिशन ओके हाइफन प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखूंगा बैकग्राउंड कलर जो जिसके ऊपर मुझे दिखाना है उसका नाम यहाँ पे मैं दे दूंगा, ठीक है। बैकग्राउंड पे मुझे लगाना है, ठीक है। उसके बाद ओके इसके ऊपर हमें दिखाना है, उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे इसका ड्यूरेशंस भी आप यहाँ पे दे सकते हो कि इसके ऊपर ड्यूरेशंस आप कितना ड्यूरेशन से ले। देखो ये क्विकली हो रहा है तो मैं चाहता हूँ कि ये 2 सेकंड या 3 सेकंड ले, तो मैं ट्रांजिशंस यहाँ पे देता हूँ ट्रांजिशंस ओके हाइफन ड्यूरेशन ओके कोलन, और यहाँ पे हम दे देते हैं 2 सेकंड्स, ठीक है। सेव, रिफ्रेश करता हूं मैं। देखो कलर चेंज में हो रहा है क्या, कुछ चेंजेस सबको दिख रहा है, दिख रहा है क्या ड्यूरेशन देने के बाद क्या हो रहा है, तो सर ठीक है। तो ड्यूरेशन हमने 2 सेकंड्स, आपको अगर ज्यादा चाहिए तो आप दे सकते हो। ओके देन यहाँ पे आप इसका टाइमिंग भी दे सकते हो। ओके तो ट्रांजिशन ट्रांजिशन ओके हाइफन टाइमिंग हाइफन फंक्शन टाइमिंग फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कैसे कैसे देना है तो वो आप दे सकते हो ट्रांजिशंस में भी यहाँ पे। ओके यहाँ पे इज इन है, ओके इज इन इज आउट ऐसा है कि अगर आपको स्टार्ट स्लो करना है तो इज इन दे दो, जैसे कि हम यहाँ पे देते हैं इज इन हाइफन इन ओके सेव। तो ये कैसे होगा, स्लो स्टार्ट होगा, देखो स्लो एकदम चेंज हुआ देन लास्ट में फास्ट हो गया, ठीक है। अगर आपको वैसा आउट इसका देना है कि जो इसका एंड है वो धीरे हो, स्टार्टिंग जो है वो फास्टर हो जाए और एंडिंग जो है वो धीरे हो, तो सेव, और यहाँ पे हम देंगे आउट इसके लिए। ओके देखो जो एंड है वो बहुत स्लो हो जाता है, ओके। और दोनों को भी आपको साथ में देना है तो यहाँ पे आप इन आउट दे सकते हो कि स्टार्टिंग भी स्लो हो और एंडिंग भी कैसा हो, स्लो हो उसका, सेव। ये आपको हल्का सा दिखेगा, आप उसका ड्यूरेशन बढ़ाओ तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। सर, ये जो ट्रांजिशन है ये इमेज के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं ना? हाँ कहीं पे भी आप अप्लाई कर सको, मीन्स आप उस पे प्रॉपर्टी आपको देनी पड़ेगी कि किस प्रॉपर्टी के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हो। जैसे कि मैं यहाँ पे किस प्रॉपर्टी के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, बैकग्राउंड प्रॉपर्टी के लिए। यहाँ पे मेरे जो बैकग्राउंड प्रॉपर्टी है उसके लिए मैं ये इस्तेमाल कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो मैंने प्रॉपर्टी को भी यहाँ पे दिया है, तो आपको प्रॉपर्टी यहाँ पे देनी पड़ेगी ओके, कि किस प्रॉपर्टी के लिए आप इसको इस्तेमाल करना चाहते हो, ठीक है। देन यहाँ पे अगर मैं दे दू सपोज नेक्स्ट जो है हमारा डिले, ओके मैं इसको डिले भी कर सकता हूँ ओके, कि 2 सेकंड बाद ये स्टार्ट हो तो ट्रांजिशन ओके हाइफन डिले ओके, और इसको मैं दे देता हूँ 2 सेकंड्स, कि 2 सेकंड्स के बाद आप क्या करो स्टार्ट करो। सेव किया मैंने इसको और चेक करते हैं हम लोग, देखो 2 सेकंड तक रुकेगा देन स्टार्ट होगा। देखो हुआ क्या स्टार्ट, सर अभी हमने इन आउट लिया है तो स्टार्टिंग भी उसका स्लो हो रहा है और आउट भी, इसका एंडिंग भी स्लो हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैंने किसके लिए दिया है, खाली बैकग्राउंड के। अगर मैं यही चीज विड्थ पे दे दूँ तो क्या होगा, विड्थ सेव। अभी देखो 1 मिनट रिफ्रेश करना पड़ेगा इसको, मुझे विड्थ पे क्यों नहीं दे रहा है, 1 मिनट एक हुआ एक्स्ट्रा सेव। काम करता हूँ दोनों को भी साथ साथ दे देता हूँ कॉपी, सेव। इसके लिए क्यों नहीं हो रहा है, विथ
8th के लिए अप्लाई नहीं हो रहा है, एक मिनट। प्रॉपर्टी तो हमने ली है यहाँ पे, इसको फिर से हम लिखेंगे। फ्लेक्स जो है वो उसको हटा देता हूं मैं। ओवर भी नहीं हो रहा है, कुछ गलत हुआ है क्या कहीं पे? ओवर भी काम नहीं कर रहा है यहाँ पे सेव। बैकग्राउंड कलर क्यों नहीं चेंज हो रहा है यहाँ पे? कलर कोलन कॉपी रिफ्रेश। डिस्प्ले सेव। एक मिनट मैं इसको फिर से ओपन करता हूँ। जो पहले था वही है ना सब कुछ? कलर खाली बैकग्राउंड को मैंने बैकग्राउंड कलर किया है। कहीं पे स्पेलिंग मिस्टेक है क्या मेरा? और क्या हटाया क्या मैंने इसमें से कुछ? डिले तो पहले जैसा था, डाला था सिर्फ ट्रांजिशन डिले तब से। डिले नहीं देखा था? डिले भी तो हुआ था ना हमारा, 2 सेकंड बाद उसने कलर चेंज किया था एक्वा, वो भी हुआ था हमारा। अभी वो भी नहीं हो रहा है। एक मिनट इसको सेव करता हूँ मैं, फिर से रिफ्रेश करता हूँ। हाइट तो बढ़ रही है उसकी, कलर क्यों नहीं चेंज हो रहा है? बैकग्राउंड फाइल को ओपन करता हूं मैं, एक मिनट। शो भी नहीं है कुछ। एक काम करता हूं मैं, इसको एक अलग फाइल में लिखता हूं फिर से, ठीक है?
ओके ढीले लगाए हमने. ओके ओके ध्यान में नहीं रहे आके, यहाँ पे डिले लगाया हमने तो 2 सेकंड वेट करना पड़ेगा. देखो तो यहाँ पे 2 सेकंड हमें रुकने के बाद वो कलर चेंज कर रहा है. ओके तो हमारा कोड जो है वो बराबर है, खाली यहाँ पे विड्थ भी उसने लेना चाहिए बट विड्थ को नहीं ले रहा है. विड्थ अगर मैं दे दूँ तो विड्थ तो डायरेक्टली बढ़ा दे रहा है. ओके अभी देखो हो रहा है. हेलो यस सर, 2 सेकंड्स रुकना पड़ेगा आपको क्योंकि हमने डिले दिया है उसको. देन देखो उसका स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों स्मूथ आपको दिख रहे हैं, इज इन आउट. ठीक है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो. आप यहाँ पे ऐसे एन नंबर ऑफ प्रॉपर्टी भी दे सकते हो, जैसे मैंने कॉमा देके दूसरा प्रॉपर्टी दिया विड्थ. ठीक है ये था आपका ट्रांजिशंस. लिया क्या? हाँ यस ठीक है तो इसका प्रैक्टिकल करो. मैं ध्यान में ही नहीं रहा पे डिले दिया है हमने तो रुकना पड़ेगा. ठीक है तो ठीक है चलो मैं आपको ये फाइल शेयर कर देता हूँ, तब तक आप प्रैक्टिकल स्टार्ट करो. ठीक है.